हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च और प्याज की बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इस पे कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 4 चम्मच तेल डाल देंगे और इसे गर्म होने देंगे। तो अब तेल गर्म हो चुका है, हमने लिए यहाँ पे 3 शिमला मिर्च जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। और 2 बड़ा साइज का प्याज जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, बीच बीच में चलाते हुए। तो अब 3 मिनट पूरा हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 7 काली मिर्च, 7 लहसुन की कली, 2 इंच अदरक जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया है, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 3 लौंग और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। इसे हम मिला लेंगे और हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 प्याज बारीक कटी हुई, 2 टमाटर बारीक कटी हुई। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे, बीच बीच में चलाते हुए। तो अब 2 मिनट पूरा हो चुका है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसे एक मिक्सिंग के जार में डाल देंगे। और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। फिर से हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच तेल और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तो अब तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता। अब हम इसे मिला लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसे मिला लेंगे। अब हम इसमें पिसा हुआ पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे 2 से 3 चम्मच के करीब में। साथ ही में डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच कसूरी मेथी और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और मसालों से तेल अलग होने तक हम इसे भून लेंगे, बीच बीच में चलाते हुए लो फ्लेम पे। तो अब मसाला फ्राई हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे हम इस तरीके से चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें 3 चम्मच दही डाल देंगे। और इसे मिला लेंगे। फिर से हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो 1 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब हम इसमें 1/2 गिलास पानी डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। और ग्रेवी में हम 1 उबाल आने देंगे। तो अब ग्रेवी में उबाल आ चुका है, तो अब हम इसमें भुना हुआ शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे
क्योंकि हमने यहाँ पे खड़ा गरम मसाला भी यूज किया है। अब हम इसे मिला लेंगे और ढक के हम इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। अब 2 मिनट पूरा हो चुका है, अब हम इसका ढक्कन हटा लेंगे और इसे मिला लेंगे। अब ये सब्जी बनके तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो हमने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है। तो अब ये शिमला मिर्च और प्याज की सब्जी बनकर तैयार है। तो आप भी इस तरीके से इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।